जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम सीड से ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम कटिंग से ग्रो करते हैं। तो जिन प्लांट को हम सीड से ग्रो नहीं कर सकते उनकी हम कटिंग या कलम लगाते हैं। तो ये बेस्ट सीज़न है जिसमें हम प्लांट्स को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत से फ्रूट प्लांट्स हैं जैसे शहतूत, अनार और अंजीर, इनको आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये मंथ यानी फेबरी, ये रोज़ प्लांट को कटिंग से ग्रो करने के लिए बेस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ बातें या टिप्स जिनको अगर आप कटिंग लगाते वक्त फॉलो करेंगे तो आपकी लगाई की कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करेगी इंशाल्लाह। फ्रूट्स प्लांट्स को कटिंग से तैयार करने के लिए कम से कम 1 साल की ब्रांच लें और फिर इसी ब्रांच या शाख से आप कटिंग लगाएं। कटिंग तैयार करते वक्त कटिंग का जो निचला सिरा है, जो कि आपने सोइल या मिट्टी में दबाना है, वो सिरा आँख या नोड़ के करीब होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं इनको नोड़ या आँखें कहा जाता है। और कटिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नोड़ से दूर होना चाहिए। और जो कटिंग आप लगा रहे हो वही कटिंग हो जिसपे कम से कम 3 नोड्स या आँखें हों। कटिंग का निचला सिरा जो कि सोयल में दबाना है, उसको कुछ मिनट के लिए आप एलोवेरा जल में रखें। कटिंग के लिए एलोवेरा जल को एज ए रूटिंग हार्मोन यूज़ किया जाता है। कटिंग को अगर आप 1 दिन पानी में भिगोने के बाद लगाएंगे तो कटिंग जल्दी से ग्रो करेगी। और कटिंग का वो सिरा जो कि सोइल से बाहर होगा यानी कटिंग का टॉप, वहाँ आप हल्दी का पेस्ट लगाएं। हल्दी एंटी फंगस है और इससे कटिंग को फंगस भी नहीं लगती। कटिंग का तीसरा हिस्सा सोइल में दबा दें और जो बाकी हिस्सा है वो सोइल से बाहर। और कटिंग लगाने के फौरी बाद वाटरिंग करें। और वाटरिंग करने के बाद कटिंग वाले पॉट को किसी पॉलीथीन बैग या शॉपर से कवर कर दें। बैग कलरफुल ना हो, साफ होना चाहिए ताकि कटिंग को इनडायरेक्टली सनलाइट वगैरह मिलते रहे। कटिंग को कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे सोइल मॉइस्ट रहती है। और कवर करने के बाद आपने कटिंग वाले पॉट को किसी शेडी एरिया में शिफ्ट कर देना है। ये रोज़ प्लांट ये कटिंग्स हैं, ये मैंने 2 कटिंग्स ही लगाई थी और माशाल्लाह से दोनों कटिंग की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। मैंने कटिंग लगाने से पहले पूरा 1 दिन इन कटिंग्स को पानी में रखा था, उसके बाद इनको एलोवेरा जल लगाया था। इसके बाद जो भी कटिंग आप लगा रहे हों वो इस तरह ही होना चाहिए। आपकी कटिंग्स ना तो बहुत ज़्यादा मोटी हो ना बहुत ज़्यादा पतली, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पतली कटिंग होगी वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी।
और इसी तरह ये है शहतूत की कटिंग्स, इनको मैंने 10 दिन पहले लगाया था, अभी इन कटिंग्स की ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि मैं लगाने से पहले इनको पानी में नहीं रखा था। इस तरह अगर आप वीडियो में बताई गई बातों या टिप्स भी अमल करेंगे तो आपने जो कटिंग्स लगाई हुई हैं वो इंशाल्लाह अच्छे से ग्रो भी करेगी और आप फ्रूट प्लांट्स और फ्लावर प्लांट्स कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल नेचर एंड गार्डनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।